खानवापी मस्जिद में वजू की सहूलत पर मीटिंग हुई है। नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम करने पर इत्तेफाक राय बनी है। वजू के मुतबादिल से इंतजाम पर इत्तेफाक राय बनी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मीटिंग हुई। बैठक में अंजुमन इंतजामिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे मौजूद। साथ में आपको बता दें कि इस बैठक में ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ 10 लोग भी मौजूद रहे। वाराणसी जिला अफसर समेत कई अफसरान मौजूद रहे बैठक में। काशी विश्वनाथ धाम के बोर्ड रूम में यह अहम मीटिंग हुई है। वाजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तभी अर्जी सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू खाने को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वुजू के लिए जो एक ड्रम रखा गया है पानी का वो काफी नहीं होता है, और क्योंकि बड़ी तादाद में रमजान चल रहे हैं तो नमाजी मस्जिद का रुख करते हैं, ऐसे में उन्हें दिक्कत होती है वुजू बनाने में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फौरी तौर पर हल निकालने की बात कही थी कि इस पर बातचीत करके हल निकाला जाए और इस मसले को हल किया जाए, और अब आज ये बड़ी बैठक हुई है। काशी विश्वनाथ धाम के बोर्ड रूम में ये बैठक हुई है, जिसमें वाराणसी जिला अफसरान समेत कई अफसरान मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी के साथ 10 लोग भी शामिल रहे, और सबको मुताबिक यहाँ जो खबरें सामने आ रही हैं अभी उसके मुताबिक नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम करने पर इत्तेफाक हुआ है। वुजू के मुतबादिल से इंतजाम पर इत्तेफाक बना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये मीटिंग हुई। इस बैठक में अंजुमन इंतजामिया के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ 10 लोग भी मौजूद रहे। वाजह रहे कि कुछ महीनों पहले, पिछले साल की अगर बात करें, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाना जहां पर है वहां कमिश्नरी सर्वे कराया गया था, और वजू खाने में शिवलिंग जैसी कोई एक चीज वहां पर बताई गई थी। उसके बाद से उस एरिया को जो है वो सील कर दिया गया था, और उसके बाद फिर वजू खाने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किए गए थे। अब रमजान में उसको लेकर दिक्कतें हो रही थी, तो ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो ये बड़ी राहत जरूर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो बैठक हुई। बैठक में जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन इंतजामिया के मौजूद रहे, इसके साथ ही 10 लोग भी उनके हमराह थे। वाराणसी जिला अफसरान समेत कई अफसरान भी इस बैठक में मौजूद रहे, और ये बैठक काशी विश्वनाथ धाम के बोर्ड रूम में हुई है। वुजू खाने को लेकर जो दिक्कतें हो रही थी वुजू बनाने में, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा मस्जिद के अंदर पहुंच रही है, ऐसे में जो वुजू खाने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किया गया था वो नाकाफी था, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, इस पर आप हुक्म दिया कि इस मसले को हल किया जाए आपस में, और इंतजाम वुजू के लिए किया जाए। वाजह रहे कि जहां ज्ञानवापी मस्जिदें हैं वहां जो वुजू खाना है, कमिश्नरी सर्वे होने के बाद उस वुजू खाने को सील कर दिया गया था, क्योंकि सर्वे के जरिए ये दावा किया गया था कि वहां वुजू खाने में जो फव्वारा है, जो अंजुमन इंतजामिया फव्वारा बताती है, वो तथा कथित शिवलिंग है, और इस तनाजे को लेकर उस एरिया को सील कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी गई, क्योंकि वुजू बनाने में दिक्कतें हो रही है, नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाना बेहद ज़रूरी होता है, और ऐसे में ये दिक्कतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई गई इस मसले को हल करने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात वाजे की कि इस मसले को हल किया जाए, वुजू के लिए इंतजाम किया जाए, जो दिक्कतें हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए, और आपस में इत्तेफाक राय बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करते हुए आज ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी अंजुमन इंतजामिया के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ। आपको बताते 10 लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। वाराणसी ऑफिशियल जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे, और ये मीटिंग जहां हुई है वो भी जगह आपको बता देते, काशी विश्वनाथ धाम के बोर्ड रूम में ये मीटिंग हुई। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वाराणसी के जिला अधिकारी वजू खाने को लेकर बैठक कर रहे थे। सर, आज जो है जिला प्रशासन बैठक कर रही थी, क्या कुछ निकल कर आया? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ निर्देश दिया गया, और वहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, तो उसमें दो बिंदु पे यहाँ पे उनके साथ विचार विमर्श करके कुछ सहमति बनने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया, उसके क्रम में आज बैठक हुई थी, और जो हम लोगों की सहमति बनी उसको माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। सहमति में क्या हुआ है, वजू खाने में क्या परमिशन मिली है मुस्लिमों को वजू, क्योंकि मामला विचाराधीन है, मैं वो डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट दोनों प्रशासन और उनके जो पक्षकारों के बीच में सहमति बनी, और उनको हम उसके अनुसार हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर सहमति बन जाती है तो आदेश आने से पहले जिलाधिकारी लागू करा सकते हैं, क्या ये लागू हो सकता है? नहीं, हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेंगे और माननीय न्यायालय को अवगत भी करा देंगे।
बिल्कुल देखिए, इंतजामिया कमेटी के साथ जिला अधिकारी की जो बैठक हुई थी वो अब लागू करा दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और रमजान के इस महीने में वजू करने की इजाजत मुस्लिमों को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ये बैठक काशी विश्वनाथ धाम में हुई है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। और सीधे वाराणसी से हमारे नुमाइंदे जयपाल हमारे साथ लाइव मौजूद है, उन्हीं का रुख करते हैं, तफसील उन्हीं से जानते हैं। जयपाल, जो वजू खाने को लेकर आम इत्तेफाक राय बनी है उसमें क्या है, क्या जो वजू खाना पहले सील किया गया था उसको वजू बनाने के लिए खोल दिया गया है या इसके अलावा कोई और इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि ये जो वजू खाना है उसको खोला नहीं जाएगा, जब बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो ये है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जब सर्वे हो रहा था तो उसमें सर्वे कमीशन के दौरान वजूखाने में शिवलिंग होने का हिंदू पक्ष ने दावा किया था और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को इस पूरे वजूखाने को सील कर दिया, जिसके बाद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि अब जो है जिला अधिकारी इंतजामिया कमेटी के साथ बैठक करे और तय करे किसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकता है। इसको लेकर मोबाइल टॉयलेट की बात कही गई है, जो काशी विश्वनाथ धाम का बोर्ड रूम है वहां पर बैठक हुई है। जिला अधिकारी के साथ साथ जो डीसीपी काशी जोन है और जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ इंतजामिया कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाया गया था, उनके साथ बैठक चली है। हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कई बार इस बात को कहा है कि वजू करने के लिए जो इजाजत है वो मिलना चाहिए, मोबाइल टॉयलेट से पवित्रता जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। ऐसे में अभी जो इंतजाम किया गया है वो ड्रम की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो जिससे हर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ जो लोग है जो रमजान के महीने में वहां पर वजू करना चाहते हैं, वजू करने के बाद वहां पर नमाज अदा होती है, उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है, मीटिंग में तय किया गया है। हालांकि जिलाधिकारी ने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आम सहमति तो बन चुकी है, लेकिन यह रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को भेजा जाएगा और कोर्ट जो आदेश देगी उसका अनुपालन जिला प्रशासन कराएगी। अब देखना होगा कि वजू खाने में इस जो वजू करने की अनुमति है वो किस तरह से जिला प्रशासन देती है मुस्लिम कमेटी को, और ये कहा जा रहा है कि रमजान के महीने में अब जो है ये अनुमति मिल सकती है। क्या ये मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उसी के बगल में शौचालय भी है जिसको सील कर दिया गया है।